टाइम स्किप काउंटर स्ट्राइक, ये रहा गोहू का नया मूव। लेकिन मैंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। शाबाश गोकू, तुमने उसे हरा ही दिया।
तुम्हारी सिचुएशन को समझ नहीं रहे गोगो। वो कैसे? तुम मेरे अटैक्स के बारे में अंदाजा लगाते हुए ये काउंट करने में लगे हो कि मेरे कितने अटैक को तुम झेल सकते हो। तुम्हें लगता है कि 0.1 सेकंड कुछ ज्यादा नहीं होता। तुम उस नुकसान को झेल कर काउंटर अटैक कर सकते हो और यहीं पर तुम गलत हो। क्योंकि मैंने पूरी तरह से अभी इम्प्रूव नहीं किया है। मैंने टाइम को आधे सेकंड के लिए स्किप किया है, जो मेरी पहली टेक्निक से 5 गुना ज्यादा है, और तुम इसे झेल नहीं सकते। ये मजाक कर रहा है। तो वैसे तो लड़ाई के साथ साथ कोकू बेहतर होता जाता था, तभी तो इसने हमें कितनी बार बचाया था। अगर ये कोकू से ज्यादा इम्प्रूव करता है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में है। रेफरी, हाँ कंटेस्टेंट, ये रूल है ना कि जान लेना मुझे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। सही है, जैसा वेजिटा के साथ हुआ, इस लड़ाई को खत्म करना तुम्हारे ऊपर है। तुम्हीं ने इस मैच को शुरू किया था, अब किस बात का इंतजार है? फैसला करो। किसी तरह कंटेस्टेंट को फिर से खड़ा हो गया। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम अपनी हार मानने के लिए बहुत ही घमंडी हो। वो बात नहीं है। क्या? अब रुक जाना सही नहीं होगा, ये तुम्हें गलत आइडिया देगा। इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई चाल चल रहा हूँ या तुम्हें बहका रहा हूँ। मैं अभी भी किसी चीज पर काम कर रहा हूँ और सही टाइम आने पर उसका इस्तेमाल करूंगा, और वो सही टाइम तब होगा जब मैं लॉर्ड पीरस को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्या कहा? तुम्हें पता है ये क्या कह रहा है? अब जबकि मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर मेरे पास 10 में से 1 चांस है पीछे हटने का। अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो टूर्नामेंट से बाहर होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन देखते हैं। क्या ये वही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? ये तो पक्का है, ये सुपर सियन ब्लू के ट्रांसफॉर्मेशन से आगे अभी तक कुछ नहीं सीखा है। पर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसे हरा दो, हिट अभी भी बाकी है। मुझे नहीं पता उसका क्या इरादा है, मैं जानना भी नहीं चाहता। क्षमता मुझे भी आगे बढ़ा रही है गोकू। जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे मैं भी ऊपर उठूंगा। अब मुझे ये देखना है कि ये कॉम्पिटिशन कहाँ तक जाता है। चलो इसे टॉप पर ले जाते हैं। ये फाइटर तो मार्शल आर्टिस्ट की तरह लग रहा है। ये अलग बिहेव कर रहा है, मैंने इसे इतनी बातें करते नहीं सुना। गोकू की खासियत है कि उसके ओपोनेंट पर उसका असर पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है?
अगर आपको चिंता नहीं हो रही है तो ये पसीने क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई से हारना नहीं चाहता और गोकू पावर रोककर हमें हरा सकता था। वीरस को समझ नहीं आया कि ये किस तरह का टेक्निक है। सामने आ गया। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें कायोकेन।